वैसे इस वीडियो में बहुत सारे अमेजिंग अपडेट आए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं एल्विश यादव के बारे में। तो एल्विश यादव ने रिसेंटली फिल्मी ज्ञान पर एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बताया कि कुछ लोग उनको सबरी भी बोलते हैं, और वहाँ पे उन्होंने ये बताया कि वो उनको हेट करने के लिए या फिर नाम करने के लिए, आप देखिए वो क्या कहे जो है ना। ये पता है मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने ना छोड़ा वर्ड मेरे पे ना, समझ रहे हो, जैसे नैरेटिव चालू कर देते ना कि इसकी इमेज इस टाइप की कर देते हैं। बट छपरी की मैं कोई केटीएम चलाता हूँ, मैं कोई वो आगे से उठा उठा के मैंने कौन सा बाल रंगों मैं ना देख रहा था, मैंने देखा कमेंट जैसे ये छपरी वाला, तो मैंने उसकी प्रोफाइल खोल के देखी भाई, इतनी गंदी शक्ल के बंदे हो सारे। मैंने कि यार ये मुझे कैसे कह रहा, मतलब इतना भी खराब तो नहीं दिखता मैं मेरे हिसाब से। मैंने कि इसकी कहना तो नहीं बनता, देखो इसको ये मेरे मुंह पे आके कहेगा तो वो नहीं बोल पाएगा, और मेरे हिसाब से अगर वो बोलेगा तो शीशे में देख के बोलना चाहिए उसको। तो वो भाई ऐसे ही है, फालतू बन गई, जिसके पास कुछ नहीं होता वो बोल। तो कैसे बात करते बाबू भैया इनकी यूकी जुरुसेवन रेड के बारे में, तो उनका डिस्ट्रैक्ट आ चुका है, और वहाँ पे उस डिस्ट्रैक्ट के द्वारा सिर्फ बिग बॉस को नहीं, बड़े बड़े जितने भी रेडर है उनको भी डिस किया है। आप देखिए मैं हूँ इन बच्चों का आइडल, नक्शे कदम पे है चलते ये राइडर, लेवल पे या पहले खाक नहीं राइवल, कॉपी मशीन मेरे चेप से टाइटल, दुनिया का नंबर वन मोटो व्लॉगर। वैसे आपको क्या लगता है बाबू भैया ने किसको रोस्ट किया, एक्सपोज किया मोटो व्लॉगर को, हमें जरूर बताना। तो अब बात करते हैं मुनव्वर फारूकी के बारे में। तो एमसी स्टैंड मुनव्वर फारूकी को सपोर्ट करते हुए लिखते हैं, मीटर खींच के रख लाले टोपी इधर आने सही है। तो अब बात करते हैं बंटाई के बारे में। अमी में बंटाई ने एक गेमिंग चैनल स्टार्ट किया है, आप देख सकते हो, और साथ ही उन्होंने एक बात बताई, उन्होंने अपने चैनल का स्क्रीनशॉट लगाते हुए बोला कि उन्होंने एक रिकॉर्ड सेट किया है, और वहां पे उन्होंने दिखाया सिर्फ 21 मिलियन सब्सक्राइबर 250 वीडियो पर उन्होंने बना दिए।